लिए निरंतर बना रहा हूँ। और जब भी मैं किसी भी शेयर के ऊपर वीडियो बनाता हूँ तो मैं उसकी जो भी अंदरूनी काम होते हैं, उसकी क्या साइकोलॉजी होती है, क्या न्यूज आ रही है, फंडामेंटल क्या चीज़ है, उसकी एनालाइज करके ही किसी आगे के व्यू के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर सिक्स और आज बात करेंगे BEL यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की। सर, इस पर विशेष तौर पर मेरी पहले काफ़ी वीडियो मेरे दूसरे चैनल पर बनी है, जब ये शेयर 97 के करीब था और मेरे पास ये शेयर 103 रुपए करीब का था, तो तब से मैं इसकी वीडियो आपके लिए निरंतर बना रहा हूँ। और जब भी मैं किसी भी शेयर के ऊपर वीडियो बनाता हूँ तो मैं उसकी जो भी अंदरूनी काम होते हैं, उसकी क्या साइकोलॉजी होती है, क्या न्यूज आ रही है, फंडामेंटल क्या चीज़ है, उसकी एनालाइज करके ही किसी आगे के व्यू के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। अभी शेयर काफ़ी वैसे ऊपर आ चुका है, लेकिन जिस तरीके से हमें देखने को मिला कि भारत की डिफेंस सेक्टर की कंपनियां हैं, चंद्रयान 3 में उन्होंने कुछ पार्ट्स के लिए भी वर्क किया है, और यही सुनते ही उनके मार्केट कैप बढ़ गए, शेयर प्राइस में तेज़ी आ गई, और ये ऐसी दिशा दिखा रही है कि भारत का जो रक्षा क्षेत्र की कंपनियां हैं वो आगे जाकर और योगदान भी देगी। मैंने आपको हर बार बताया कि जो भी देश अपने रक्षा के चीज़ों को मजबूत करेगा वो ज़्यादा बलवान होगा, जैसे अमेरिका, आपको पता ही है। ये इसी तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री अभी एक दिन की जो यूनान की यात्रा पर गए हैं, वहाँ पर क्या देखने को मिला है सर, ये मैं थोड़ा सा अलग सा बता रहा हूँ आपको, क्योंकि हमें वो नॉलेज भी होनी चाहिए कि जिसकी वजह से हमें देखने को मिले कि हमारे जो डिफेंस सेक्टर है, हमारा दिमाग उसकी तरफ कैसे जाने को तैयार होगा। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी हैं, वो यूनान की यात्रा में गए हैं और उन्होंने वहाँ से एक सहयोग करने की विशेषताओं पर एक बातचीत करी है, और वो है सर रक्षा और सुरक्षा में, यानी कि डिफेंस की चीज़ों में दोनों देश आपस में मिलकर एक सहयोग करेंगे, और इस सहयोग की चीज़ें निकल कर आएंगी कि वहाँ सुरक्षा और रक्षा के क्षेत्र में अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी। जब इस तरीके का समझौता आने वाले दिनों में होगा या आने वाले दिनों में होगा, तो वहाँ पर रक्षा के क्षेत्र की कंपनियाँ फिर इन चीज़ों में वर्क करेंगी। सिर्फ रक्षा के क्षेत्र के साथ साझेदारी करना, अपना दिमाग इस चीज़ के ऊपर केंद्रित कीजिए कि अगर रक्षा की बात हो रही है तो फिर वो जो चीज़ें बनेंगी वो रक्षा वाली कंपनी ही बनाएंगी, जैसे कि BEL हो गया, HAL हो गया, इस तरीके की जो भी डिफेंस की कंपनियां हैं, ये इनको वर्क मिलता रहेगा। तो यहाँ से क्या हो गया, जब यूनान की यात्रा से हमें डिफेंस सेक्टर की चीज़ों में एक विशेष तौर पर नज़र देखने को मिली है। पिछले 40 साल में हमारे देश का कोई भी प्रधानमंत्री यूनान की यात्रा में नहीं गया, ये पहली बार हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी गए, ये भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। वो वहाँ पर जो बातचीत हुई है रक्षा के ऊपर हुई है, डिफेंस के ऊपर हुई है, और कुछ चीज़ों में आगे जाकर हस्ताक्षर होंगे, तो यहाँ एक व्यू अच्छा बन रहा है। अब बात करेंगे BEL, और BEL अपने आप में एक ऐसा शेयर है जो रक्षा के क्षेत्र के साथ साथ गैर रक्षा यानी कि अलग सेक्टर पे भी काम करता है, चाहे वो बैटरी हो, चाहे वो अलग तरीके की चीज़ों के साथ उतरना हो, इलेक्ट्रॉनिक मशीन हो, यानी कि EV मशीन है, जो वोटिंग मशीन होती है वो है, तो अलग तरीके के भी वर्क जो है BEL करता है। अभी इसको हाल ही में एक ऑर्डर मिल गया है जो करीब 3,289 करोड़ रुपए करीब का रक्षा और गैर रक्षा के क्षेत्र में इनको ये ऑर्डर मिला है। ये 8,091 करोड़ रुपए का ऑर्डर जो इनको पहले मिल चुका है उससे ये अलग है सर, ये आपको समझना है। तो ये आपको एक ऐसी दिशा देखने को मिल रहा है कि वित्त वर्ष 2023 और 2024 में ऑर्डर बुक जो BEL की हो गई है वो करीब 11,380 करोड़ रुपए की इनकी ऑर्डर बुक हो गई है। जब भी कोई कंपनी अपना ऑर्डर किसी कंपनी से उसको मिलता है या कहीं से भी मिलता है, तो वो उसकी ऑर्डर बुक में, ऑर्डर बुक की पोर्टफोलियो में जमा हो जाता है। देखो सर, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जब ऑर्डर किसी कंपनी को मिलता है तो ज़रूरी नहीं कि वो काम एकदम से हो गया, उस काम में वक्त लगता है, ये 3-4 साल की इनकी परियोजना होती है। तो कल को अगर ये शेयर गिरे तो हम वो भूल जाएंगे इनको ऑर्डर मिला है। इसी तरीके से सुजलोन एनर्जी में भी जो उनको ऑर्डर मिलते जा रहे हैं वो उस वजह से भाग रहा है। तो हमारी प्रतिक्रिया एक साफ सुथरी दिशा में शेयर मार्केट को देखने की है। ऑर्डर मिलने से एक पॉजिटिव संकेत तो आता है, और वो एक ऐसी दिशा दिखाता है कि हम शेयरों को रख कर बैठें और फिर वेट करें, क्योंकि यहाँ किसी का भी बस शेयर प्राइस के ऊपर नीचे जाने पर नहीं है, यह आपको समझना है।
तो BEL जिस तरीके से लिथियम आयन बैटरी में भी वर्क कर रहा है, एक बड़ी कंपनी जो है बाहर की उसके लिए भी ये एक पैक बना रहा है जिसके अंदर लिथियम के ये बैटरी उनको सप्लाई करेगा। तो ये बहुत अच्छी मंशा के साथ BEL आपको देखने को मिल रहा है। अब ये शेयर जो होते हैं ये पोर्टफोलियो में सजाने वाले शेयर होते हैं, एकदम से अचानक से ज़्यादा शेयर लेने वाले नहीं होते ये, क्योंकि इनकी मंशा लंबे समय की होती है और ये रक्षा के क्षेत्र में ऐसी कंपनियां वर्क कर रही हैं। डिफेंस सेक्टर मेरे हिसाब से बड़ा मजबूत होने वाला है और यूनान की यात्रा में जो मोदी जी हमारे गए हैं वहाँ रक्षा की बात हुई है, तो हमें हर एक तरफ से देख लेना चाहिए। मेरे एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है सार्थक बाजार से, उसके अंदर आज आपको देखने को मिलेगी वीडियो सर BCG में देखने को मिलेगी, जहाँ निरंतर काफ़ी लोगों को मैंने BCG से दूर रहने का आगाह किया है, पर जब वो शेयर अपर सर्किट में था लोगों ने समझा नहीं था, अब लोग समझ रहे हैं, तो क्या उसके अंदर नई दिशा बनेगी इसके लिए मैंने एक वीडियो अडानी ग्रुप और BCG में और IOC में डाली है, तो वो आ भी गई होगी, उसे भी आप देख सकते हैं सर। तो BEL बेस्ट है लेकिन रखने के कदमों के साथ, ये नहीं कि शॉर्ट टर्म में हम देखें जी, नहीं, कुछ चीज़ें होती हैं वो लंबे समय के लिए होती हैं। तो सर ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर आइए, सब्सक्राइब भले मत करना लेकिन मेरी बातों को गौर से सुनना ही सुनना। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।